हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ जो टीन एजर गर्ल्स हैं उनके लिए कुछ मेकअप हैक्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको मेरे चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं, अगर रेड लिपस्टिक नहीं है तो आप घर पर कैसे बना सकते हो, तो ये है पील ऑफ मास्क। तो एक बाउल में इसे हम निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ फूड कलर होता है जो आप खाते हैं अपने कुकिंग में, वो उसमें ऐड कर रही हूँ। ऐसे अच्छे से मिक्स करूँगी। अगर आप ग्लॉसी चाहते हो तो ऐसे ही रहने देंगे, ये निकलता नहीं है। अगर आप मैट चाहते हो तो इसे निकाल देंगे 10 मिनट बाद। आप देख सकते हैं कि इंस्टा आपको रेड लिपस्टिक मिल जाएगी। सेकेंड वाला हैक से मेरा, अगर आप चाहते हो बोल्ड लाइनर ड्रॉ करना और आप बोल्ड लाइनर नहीं ड्रॉ कर पाते हैं जल्दी, तो ये वाला हैक्स भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो इस तरीके से इस पुली को आप कट कर देंगे, उसके बाद आप इसे बहुत ही इजीली लगा पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कितना बोल्ड लाइनर ड्रॉ हो गया। तो कैसा रहा हैक्स? ये वाला हैक्स आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वाला हैक्स है मेरा, अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको लेना है अपने कोई भी आई शैडो पैलेट में से ये वाइट सीमली सेड। वाइट वाला सेड आप हर आई शैडो पैलेट में पाएंगे, क्योंकि हम वाइट वाला ज़्यादा अप्लाई भी नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आपको रफ करके एक बाउल में निकाल लेना है। और गाइस, ये हाइलाइटर आपका लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। तो इस तरीके से वैसलिन को लेके हमें मिक्स करना है और हम इसे अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है तो ये वाला हैक्स आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, बहुत ही परफेक्ट रहेगा। तो मैं इसे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। बहुत चंकी वाला नहीं लगेगा, ओरिजिनल हाइलाइटर लगेगा और आपका फेस भी ग्लो करेगा। तो कैसा रहा हैक्स? तो गाइस, आप देख सकते हैं बहुत ओवर वाला हाइलाइटर नहीं लग रहा। तो इस तरीके से मैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिंगर के हेल्प से। तो नेक्स्ट हैक्स मेरा, अगर आप फेक लैसेस लगाते हो वो अप्लाई नहीं होता जल्दी, तो आपको इसमें कौन सा हैक्स यूज़ करना है? आपको लेना है, इसमें ग्लू लगाना है और इस तरीके आपको कोई भी स्टिक, या मैं काजल ले रही हूँ, उसमें इसे 5 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद इसे अप्लाई करेंगे तो बहुत ही ईजली आपकी आई पे चिपक जाता है और इधर उधर से निकलता भी नहीं। तो ये वाला हैक्स भी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला यूज़ कर रही हूँ हैक्स, ये अक्सर प्रॉब्लम होता है हम सबके साथ कि हमारा ये जो मस्करा है वो सूख जाता है और हम सोचते हैं कि वो ख़राब हो गया है। तो आपको क्या करना है, आप इसमें वाटर नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि वाटर ऐड करने से हमारा लॉन्ग लास्टिंग है वो निकल जाएगा, वाटर प्रूफ होता है। इसलिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं मुचाज का ओमल ड्रॉप्स ऑयल। सिर्फ एक ड्रॉप मैंने ऐड किया, बहुत ज़्यादा आपको ऐड नहीं करना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा निकलने भी लगेगा। तो हल्का सा लेके इसे अच्छे से मिक्स करके हमें अप्लाई करना है। तो देख सकते हैं गाइस, इस तरीके से क्यों अच्छा है ना हैक्स। उसके बाद अगर आप चाहते हैं लॉन्ग लास्टिंग और थोड़ा सा हैवी चाहते हैं और आप फेक लैसेस भी अप्लाई नहीं करना चाहते, तो आपको मस्करा के बाद यूज़ करना है लूज़ पाउडर। यहाँ पे आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक शेड अप्लाई करने के बाद कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद फिर मस्करा लगाऊंगी तो आपके जो लैसेस हैं वो थोड़ा भरे भरे और घने लगेंगे। नेक्स्ट वाला हैक्स मेरा, कंसीलर नहीं है तो आप घर पे कैसे कंसीलर बना सकते हैं? आपको कोई डार्क शेड का, लाइट शेड का लेना है फाउंडेशन, उसमें मैंने यूज़ किया है लूज पाउडर। आप चाहे तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करना है हमें, उसे फिंगर के हेल्प से
अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर लोग के पास ब्रश नहीं होता, इसलिए जो हमें स्पॉन्ज होता है हमारे कॉम्पैक्ट में, उससे ही मैंने ब्लेंड किया है। अब नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ, मेकअप तो हो गया लेकिन इसे रिमूव कैसे करेंगे, तो बना लेते हैं फटाफट मेकअप रिमूवर। तो मैंने लिया है रोज़ वाटर और उसमें ऐड कर रही हूँ ये क्लिंजिंग मिल्क। आप यहाँ कोई भी क्लिंजिंग मिल्क यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ जोएस का लिया हुआ है क्लिंजिंग मिल्क। उसके बाद ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल, आप यहाँ ग्रीन वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ले रही हूँ 3 से 4 बूंद अमल ड्रॉप्स के और फिर अच्छे से इसे मिक्स करना है। और आप देख सकते हैं कितना इजीली ये रिमूव हो जाएगा, तो हम घर पे ही अपना मेकअप रिमूवर बना सकते हैं। मैंने लेंस लगाया इसलिए थोड़ा हल्के हाथ से कर रही हूँ, लेकिन अगर आप एक बार रिमूव करेंगे तो बहुत ज़्यादा निकल जाएगा।